सलमान खान फैंस के लिए खुशखबरी है। टाइगर 3 के मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट कट लॉक कर लिया है। फर्स्ट कट का मतलब शूट हुए सीन्स को जोड़कर फिल्म तैयार कर ली गई है। सीन्स का ऑर्डर तय हो गया है। अब फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन चालू होगा। इसमें VFX, बैकग्राउंड स्कोर, कलरिंग, थोड़ी कटाई छंटाई जैसे काम होंगे। मेकर्स चाहते हैं कि वो समय से जल्दी फिल्म रेडी कर लें, उसके बाद मार्केटिंग पर जुटें। टाइगर 3 YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है। इसका बजट 300 करोड़ रुपए के बीच बताया जा रहा है। मेकर्स इसे हिंदी सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। इसके लिए यशराज स्टूडियोज में पूरी रफ्तार से काम चल रहा है। टाइगर 3 को मुंबई और दिल्ली के अलावा टर्की, रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया गया है। फिल्म के लिए अगले 1-2 दिन में डबिंग शुरू करेंगी। वहीं सलमान अपने सीन्स की डबिंग सोमवार से शुरू करेंगे। आमतौर पर फिल्मों के लिए डबिंग रिलीज से 1-2 महीने पहले होती है, मगर टाइगर 3 के मेकर्स एन वक्त पर कोई लफड़ा नहीं चाहते, इसलिए चीजें एडवांस में चल रही है। अगस्त तक फिल्म को पूरी तरह तैयार कर लेने की प्लानिंग है, बाकी बचे खुचे काम तो चलते रहेंगे। टाइगर 3 के आखिरी हिस्से की शूटिंग शाहरुख खान के कैमियो की हुई थी। इसके लिए मड आइलैंड में बड़ा सा सेट में बनवाया गया था। खबरें थी कि मेकर्स ने सिर्फ सलमान और शाहरुख वाले सीक्वेंस पर 35 करोड़ रुपए खर्चे हैं। शाहरुख फिल्म में पठान के किरदार में नजर आएंगे। ये एक जेल तोड़कर भागने वाला सीक्वेंस होने वाला है। सलमान और कटरीना तो है ही, उनके साथ इस फिल्म में इमरान हाशमी, रणवीर शौरी, रिधि डोगरा, रेवती और विशाल जेठवा जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। टाइगर 3 को फैन वाले मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया है। कम उम्मीद है कि टाइगर 3 के बाद सलमान 2025 से पहले किसी फिल्म में दिखाई दे, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है। खबरें हैं कि वो सीधे 2024 में वो टाइगर वर्सेस पठान पर काम शुरू करेंगे। वो फिल्म 2025 में रिलीज होगी, इसलिए भी टाइगर 3 सलमान फैंस के लिए खास है। टाइगर 3 10 नवंबर को दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में लग रही है।